रहेगा। कांग्रेस पार्टी का बड़ा पुराना स्टैंड है और हम लोग जब सत्ता में थे केंद्र में तब भी हम लोगों ने ये बिल सदन में लेकर आए थे कि महिलाओं को एक के आरक्षण मिलना चाहिए विधानसभा लोकसभा के अंदर। और सोनिया गांधी जी तो पूरी तरह कमिटेड रही है इस इशू को लेकर बहुत लंबे अरसे तक। और अब कांग्रेस अध्यक्ष जी ने राहुल गांधी जी ने कहा है जहाँ हमारी सरकार है कम से कम वहाँ पर हम इसको आगे लेकर जाएं। और भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, 5 साल तक तमाम तरह के संशोधन कर चुके हैं संविधान में, लेकिन इस मोटे मुद्दे पर उनका जो दोहरा चेहरा है वो सामने आया है। 5 साल तक लगातार सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी लिखते रहे कि इस एक तिहाई के आरक्षण को हम कारगर साबित करें, कर नहीं पाए हैं क्योंकि मंशा नहीं है। लेकिन जहाँ जैसे पंजाब में ऐसा हुआ है और राजस्थान में हम लोग चाहते हैं, तो डिस्कशन भी हुआ है कैबिनेट में इस बारे में कि हम कैसे इसको आगे लेकर जाएं। और राजस्थान में जो महिला आरक्षण का बिल है उसको हम एक ऐसा हम भी जामना बनाए ताकि ये जो सोच थी इसको हम हकीकत में तब्दील कर सकें। इस सत्र में आ जाएगा मैंने कहा ना, ये तो होना तो ये केंद्र से है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है, उसके बाद बाकी स्टेट में लागू होगा। लेकिन जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है, उसके प्रति हम लोग बिल्कुल निष्ठावान तरीके से काम कर रहे हैं। और जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर हम इस प्रकार के जो कदम है एक तिहाई महिला आरक्षण का उसको कार्य।